दोस्तों मेरा नाम है शालम अहमद। फिर एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपको बताऊंगी ड्रीम क्या होना चाहिए, ड्रीम किस टाइप से होने की वजह से उस ड्रीम को आप सफल हो सकते हैं और ड्रीम किसको कहते हैं मैं आपको अच्छे तरह से समझा दूंगी। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड नॉलेजफुल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो देखने के बाद आपको लाइफ भी बदल सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को एंड तक देखते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको कुछ नॉलेज भी मिल जाएंगी और कुछ मोटिवेशन भी मिल जाएंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सोने के बाद नींद आने के समय जो ड्रीम देखते हैं आप उसको ड्रीम नहीं कहते हैं और ड्रीम उसको कहते हैं, लेकिन उसका ड्रीम जिसको आप सफल होना है, जिस काम पर आपको सफल होना है उसको भी ड्रीम कहते हैं। और उसको कैसे कहते हैं मैं आपको अच्छे तरह से बता रहा हूँ क्योंकि ये आप सिंपली मैं बता रहा हूँ। आप रात में सो जाने के बाद आपको नींद आएगी, नींद नहीं आने की के वजह से भी आपको ड्रीम हो जाएगी कि क्या मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको जिस काम पर ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और उस काम आपको करना भी चाहिए है, उस काम को आपको आप नहीं करके उस काम नहीं थक सकते हैं और आपको उस काम करना भी चाहिए। उस काम नहीं करेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेंगी और आपको करना भी चाहिए। और आपको और रात में सो जाने के बाद आपको नींद नहीं आती है उसको ड्रीम कहते हैं। और नींद नहीं आने से जो आपको माइंड में होता है ना एकदम बहुत तो अच्छा नहीं लगता है, आपको कुछ भी काम नहीं करना आता है, इसको आपको ड्रीम कहते हैं। और उसको कैसे आगे तक ले जाना है मैं आपको बता रहा हूँ। आपको रात में सो जाने के बाद जिस चीज़ आपको नहीं करेंगे तो उस चीज़ नहीं करने के वजह से आपको रात में नींद नहीं आएगी, उस चीज़ को आपको ड्रीम मान सकते हैं। और उस ड्रीम से भी आप उस काम करेंगे तो आपको एक समय आप सफल हो भी सकते हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको मन में जो सा है ना वो भी करो, क्योंकि वो भी करने से भी आपको कुछ भी होने हो सकते हैं आप और आपको कुछ भी फायदा होने हो सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको जिस काम पर ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और जिस काम आप ज़्यादा करना चाहते हैं उस काम को करते रहो और एक समय उस टारगेट पर भी आप आ सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको जो ड्रीम होता है ना उसको बहुत तो अच्छे तौर से अलग टाइप की होना चाहिए, क्योंकि आपको जो ड्रीम है उसको आपको माइंड में एकदम आ जाता है, क्योंकि मैं उस काम करूँगा तो करूँगा ही, उस काम मैं नहीं करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेंगी, इसलिए आपको वो उसको ड्रीम कहते हैं। और उस ड्रीम से भी आप लाइफ में आगे जा सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको जो ड्रीम होता है ना उस ड्रीम से भी आप काम करेंगे तो आप सफल हो सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको जो ड्रीम है ना उसको पुश करो, उसको ड्रीम को आप आगे तक ले जाने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ मेहनत करना होगा। उस आप जिस ड्रीम मानेंगी ना उस ड्रीम के पीछे बहुत मेहनत करना होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको ड्रीम केवल होना नहीं चाहिए, आपको ड्रीम होने के वजह से आपको मेहनत भी ज़्यादा करना है। मेहनत ज़्यादा करने से भी आप क्या कर सकते हैं उस टारगेट में आ सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको ओनली ड्रीम नहीं, ड्रीम से भी कुछ भी काम नहीं होता है। आपको जो स्वप्न देखता है ना उस स्वप्न से ओनली काम नहीं होता है, आपको क्या होना चाहिए, आपको मैं उस काम करूँगा तो करूँगा ही, मैं उस काम करके आपको दिखाऊँगा, ये आपको मन में आना चाहिए। और आपको ओनली ड्रीम देखना भी बहुत अच्छा नहीं है, आपको ओनली ड्रीम देखेंगे तो ना उस ड्रीम ही रह जाएगी, आपको उस ड्रीम से भी कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगी। और उस ड्रीम को आपको सही करना है तो आपका क्या करना होगा, ज़्यादा मेहनत करना होगा। मैं सिंपली बता रहा हूँ आप पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई से भी आप पढ़ाई करके भी कुछ भी बड़ा इंसान बनने चाहते हैं, बड़ा आदमी बनने चाहते हैं, तो उस पर क्या करना होगा, पढ़ाई करने से भी बहुत मेहनत करना होगा, उस बहुत मेहनत से भी आपको कुछ भी होना हो सकते है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको जो ना बहुत ज़्यादा मेहनत करना है इस समय पर, और इस समय पर ज़्यादा मेहनत से भी बहुत ज़्यादा लोग क्या होता है सफल नहीं होता है। और आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा मेहनत करना होगा, आपको ओनली मेहनत नहीं है, आपको ड्रीम होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए और टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट भी बहुत अच्छा काम में आ जाएंगी, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ आपको टैलेंट हो जाएगी तो ना आप क्या कर सकते हैं, आपको जो ड्रीम है उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, थोड़ा मेहनत करके भी आप ज़्यादा आगे तक बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको जो मेहनत है ना उस मेहनत के से भी आपको तीन चीज भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मेहनत और ड्रीम और क्या होना चाहिए टैलेंट। इस तीनों को होने के वजह से आप क्या कर सकते हैं, बहुत आगे तक भी आ सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ
जो अद्वितीय ब्लॉग चैनल है ना वो देख सकते हैं। इतना छोटा लड़का और उसके माइंड में किस चीज़ है, उस चीज़ होने के वजह से वो 1 मंथ में भी 50K सब्सक्राइब बना लिया। आप सोच सकते हैं 1 ईयर में भी 1000 सब्सक्राइब भी कम्प्लीट नहीं होता है और उसका 1 मंथ में भी 50K सब्सक्राइब कम्प्लीट हो चुकी है। किसके वजह से हुआ है? उसको टैलेंट होने की वजह से हुआ है और उसको मेहनत होने की वजह से हुआ है। आप सोच सकते हैं उसको जो ये वीडियो है ना, उस वीडियो क्या करता है, उसको जो सारा रियल बात है ना उसको दिखाते हैं। उस रियल बात को दिखाने के वजह से उसका जो चैनल है ना, उस चैनल बहुत आगे तक जा रहा है और ज़्यादा ग्रो हो रहा है। इतना ज़्यादा ग्रो कुछ भी चैनल नहीं होता है, होता है लेकिन बहुत बड़ा बड़ा चैनल। इतना छोटा चैनल इतना 1 मंथ में भी 50K सब्सक्राइब इतना ज़्यादा नहीं होता है, आप सोच सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको क्या करना होगा, आपको ड्रीम होना चाहिए और ड्रीम होने के बात आपको इस तीनों चीज को होना चाहिए, ड्रीम और आपको टैलेंट और आपको ज्यादा मेहनत, इस तीनों चीज को आपको होना चाहिए। इस तीन चीज होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उस ड्रीम में आ सकते हैं और आपको उस टाइम उस काम पर ज्यादा इंटरेस्टिंग होकर उस काम करेंगे तो ना, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकते हो आप उस काम पर आर सफल हो जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आर आप यूट्यूब वीडियो बनाते हैं ना तो उस पर भी ज्यादा मेहनत करो और ज्यादा टैलेंट लगाओ। मैं वीडियो बनाते हूँ वो तो मेरा ज़्यादा टैलेंट ही नहीं है तो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा इस काम में नहीं करेंगा तो ना मुझे नींद नहीं आ जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको जिस काम पर ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और जिस ड्रीम है आपको उस पर ज़्यादा मेहनत करो और मैं बोल रहा हूँ आपको इस चीज़ को करना है। और इतना दिन तक मैं क्यों वीडियो नहीं बना पाया, इतना दिन मेरा एग्ज़ाम था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो भी वीडियो बना करने की कोशिश करता था और मैं वीडियो नहीं बनाया तो बना पाया तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, मुझे बुरा भी लग गया था। दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आए, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपको एक लाइक हमारे वीडियो बनाने के लिए उत्साह देते हैं। और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बताएं, मैं उस टाइप की वीडियो बनाकर आपको दे दूंगी, नो कमेंट की रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। इस समय के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।